नमस्कार, मैं पीएमडीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के जो विदेशी मुद्रण भंडार है उसमें लगभग 19.2% की वृद्धि हुई है, जिसकी बदौलत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी धन यहाँ पे नेपाल में आया है। और इसकी क्या वजह रही होंगी कि ये पिछले ही 10 महीनों में इतना क्यों बढ़ा है, उसकी हम चर्चा भी करेंगे। और नेपाल के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी ही खुशी की बात है ये, क्योंकि 19.2% वृद्धि होना कोई छोटी वृद्धि नहीं होती। 1% 2% का फर्क पड़ना अलग बात है, लेकिन केवल 10 महीनों में 19.2% की वृद्धि दिखाई गई है, वो भी विदेशी रुपये की। यानी कि विदेशी रुपया इतना अधिक आया है, पहले जितना आता था उससे भी ज्यादा आया है। इसका कारण कई हैं दोस्तों, क्योंकि नेपाल का जो अधिकतर लोग हैं वो बाहर से ही रुपया लाते हैं, बाहर जाकर ही काम करते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो बाहर से रुपया लाते हैं तो फिर पहले भी तो लाते थे नेपाली लोग, या फिर पहले भी तो बाहर काम करते थे, तो इसकी वजह से क्यों नहीं आया और अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि ये इतना बढ़ गया, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये पिछले 10 महीने में बात कर रहा हूँ, जुलाई 2020 के मध्य से मई 2020 के मध्य तक। और दुनिया के विभिन्न देशों में स्थित जो नेपाल के प्रवासी कामगार हैं उनसे यहाँ पे लगभग 809.89 अरब रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने के अंत तक देश की वित्तीय स्थिति का यहाँ पे वितरण किया जाए तो नेपाल राष्ट्रीय बैंक का कहना है कि इस अवधि में देश की प्रेषण आय या फिर वित्त वर्ष की समान अवधि में प्रेषण आय देखा जाए तो उनके बीच का अंतर है वो लगभग 19.2% से भी अधिक आ रहा है, जो कि नेपाल के लिए बहुत अच्छी बात है, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है और नेपाल के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतना पैसा जब ट्रांसफर होता है दोस्तों तो ना केवल नेपाल की जनता को फायदा हो रहा है, ना केवल उन कामगारों को फायदा हो रहा है जो नेपाल से बाहर रहकर काम कर रहे हैं, इसके अलावा ट्रांजैक्शन बढ़ने से नेपाल की जो यहाँ पे रेपुटेशन है वो भी बढ़ती है, नेपाल की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है और नेपाल में पता चलता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं नेपाल से बाहर जाकर, जो कि एक देश के लिए सबसे बड़ा विकसित होने का चांस होता है। और नेपाल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अगर विदेशी करेंसी आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल की अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण भी राशि में गिरावट दर्ज की गई थी। जो कामगार थे, कुछ एक कामगार ऐसे भी थे जो वापिस नेपाल में लौट कर आ गए थे, लेकिन कुछ एक कामगार ऐसे भी थे जो लौट कर नहीं आ सके, लेकिन वहाँ पर उन्हें काम भी नहीं मिला तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, वहाँ पर रहना पड़ा लेकिन कोई काम नहीं था, उन्हें रोटी पानी की भी समस्या आने लगी थी। और इसी की वजह से यहाँ पे जो विदेशी करेंसी है वो नेपाल की गिर गई। लेकिन अभी बीच में जैसे ही खुला दोबारा काम शुरू हुआ तो उन लोगों ने अपना पहले वाला बैकअप को भी लाना भरना की सोचा, वो जो लोग कामगार थे उन्होंने सोचा कि पहले वाले को भी पूरा किया जाए, इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया और ज़्यादा इनकम ग्रोथ करके दिखाई, जो कि बहुत अच्छी बात है नेपाल के लिए। आप क्या सोचते हैं इन कामगारों के बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।